नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली, एक और एक्सप्रेसवे से संबंधित वीडियो अपने चैनल पर। हरिद्वार से वाराणसी तक बढ़ाया जाएगा गंगा एक्सप्रेसवे को, 150 किलोमीटर की दूरी और बढ़ेगी गंगा एक्सप्रेसवे में। कहां से दूरी बढ़ाई जाएगी, किस ओर दूरी बढ़ेगी और क्यों बढ़ाई जा रही है, पूरी डिटेल में इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। अब जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे है, बहुत तेजी से काम चल रहा है उस पर। गंगा एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर की दूरी मेरठ से शुरू होकर के प्रयागराज तक बनाया जा रहा है, बहुत तेजी से काम चल रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे को प्रयागराज से बढ़ा करके वाराणसी तक किया जाएगा और मेरठ से बढ़ा करके हरिद्वार तक किया जाएगा। और इस बीच 150 किलोमीटर की दूरी गंगा एक्सप्रेसवे की और बढ़ जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने गंगा एक्सप्रेसवे के विस्तार के लिए प्रस्ताव को तैयार करने के निर्देश दे दिए हैं। वाराणसी तक बढ़ाने पर 150 किलोमीटर की लंबाई बढ़ जाएगी। मौजूदा समय में गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक प्रस्तावित है। गंगा एक्सप्रेसवे 12 जिलों को आपस में कनेक्ट कर रहा है, मेरठ, अमरोहा, बदायूं, फरुखाबाद, हरदोई, कन्नौज, लखनऊ, रायबरेली, प्रयागराज और वाराणसी हरिद्वार। ये विस्तार करने के बाद की योजना है। प्रयागराज से वाराणसी तक गंगा एक्सप्रेसवे के विस्तार के जरिए पूर्वांचल और विंध्य क्षेत्र के जिलों में विकास की एक नई शुरुआत होगी। गंगा एक्सप्रेसवे वाराणसी से मिर्जापुर, भदोही, सोनभद्र, चंदौली को आपस में कनेक्ट कर लिया जाएगा। मेरठ से हरिद्वार तक गंगा एक्सप्रेसवे का बढ़ाए जाने का एक यह भी कारण हो सकता है, हरिद्वार एक धार्मिक स्थल है, इसीलिए भी गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार मेरठ से हरिद्वार तक किया जा रहा है। और प्रयागराज से वाराणसी तक विस्तार होने के बाद पूर्वांचल क्षेत्र का जिलों का बहुत तेजी से विकास होगा। प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक गंगा एक्सप्रेसवे का वाराणसी तक विस्तार होने के बाद प्रयागराज, रायबरेली होते हुए प्रदेश की राजधानी तक सीधा आवागमन हो जाएगा लखनऊ तक। तो यह था दोस्तों एक वीडियो गंगा एक्सप्रेसवे के विस्तार से संबंधित। गंगा एक्सप्रेसवे का बहुत तेजी से काम चल रहा है, कई फेजेस में काम हो रहा है गंगा एक्सप्रेसवे का। और गंगा एक्सप्रेसवे से संबंधित जैसे ही कोई अपडेट आती है, कितना वर्क हो चुका, कहां पर आरओबी का निर्माण हो चुका है, कहां पर फ्लाईओवर बन रहे हैं, कहां पर टोल प्लाजा बनेंगे, कितने टोल प्लाजा बनेंगे, पूरी जानकारी आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से मिलेगी। यह वीडियो दोस्तों कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।